जैसे कि हमारी हमेशा, हमेशा कोशिश रहती है कि हम आपको वो स्टार्स प्ले जो यूपी उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं वैसे एक स्टार हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम किया है लेट्स इंट्रोड्यूस होर बहुत बहुत स्वागत है आपका कायनात बहुत बहुत शुक्रिया कायनात यू हैव बीन एसोसिएटेड विद उत्तराखंड एंड योर पेरेंट्स आर फ्रॉम सहारनपुर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बहुत खुशी होती है जब उत्तराखंड या यूपी से कोई आता है और वो बॉलीवुड में अच्छा काम करता है तो कैसा महसूस होता है यू मेकिंग उत्तराखंड यूपी प्राउड सी आई एम रियली रियली फॉर्चुनेट एंड बहुत ही किस्मत होती है और हार्डवर्क uh, भी जुड़ा होता है कि आप uh, एक पैमाने पर पहुँचते हैं मेहनत के बाद और यूपी बहुत ही वहाँ पर आपको मालूम है शहर जैसे घर से बाहर निकलना ही बहुत बड़ी बात होती है सो मेकिंग इट बिग कमिंग फ्राम अ स्मॉल सिटी लाइक सहारनपुर वॉज एन अचिवमेंट फॉर मी द डे आई डिड माई फर्स्ट सॉन्ग विद अक्षय कुमार इन खट्टा मीठा सो अक्षय कुमार के साथ मैंने गाना किया खट्टा मीठा में मुझे लगा ये अचीवमेंट है तो ये सक्सेस हो गई है तो एक्चुअल जो जर्नी थी उसके बाद शुरू होती है जब आपको कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है आपकी जर्नी वहाँ ख़त्म नहीं होती है जर्नी वहाँ से शुरू होती है सो माय एक्चुअल जर्नी माय हार्ड वर्क स्टार्टेड आफ्टर आई डिड द सॉन्ग विद अक्षय एंड देन ग्रैंड मस्ती फॉलोड एंड देन वेरियस फिल्म्स आई डिड इन मलयालम तेलुगू सो मनी फिल्म एंड नाउ राम गोपाल वर्मा फिल्म इज कमिंग अप अच्छा लगता है क्योंकि उत्तराखंड और यूपी को मैं uh, रिप्रजेंट कर रही हूँ इनफैक्ट हाल ही में मैं उत्तराखंड पीमियर लीग की uh, हरीश रावत जी ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया वहाँ के सी एम ने तो मुझे अच्छा लग रहा है कि जर्नी और ग्राफ इज़ जस्ट गोइंग हायर ओके अमन आपसे जाना चाहेंगे कि uh, वो लड़की आज आपके साथ मौजूद है जिन्होंने मस्ती को ग्रैंड बनाया <laughs> तो कैसा लग रहा है

Into business of real estate, uh, NGO is like a part-time work for me. I am doing it for three to four NGOs in Delhi. So, what's what's your next planning for? So, for some good, uh, what you're doing good for some good people in next coming times? I would like to do something very big and make four to five more NGOs in Delhi. मी okay. so nice. uh, okay. uh, 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 कितना अच्छा लगता है uh, क्योंकि वुमेन्स डे बहुत क्लोज है uh, कैसा लगता है कि वुमेन्स के लिए क्या करना चाहिए लैकिंग? एजुकेशन आई थिंक एजुकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट आ, खास तौर पे आ, छोटे शहरों में गांव बस्तियों में जो लड़कियां हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है ड्यू टू वट एवर रीजन्स आई थिंक सबसे पहले एजुकेट करना चाहिए और एजुकेशन मिलेगी लड़कियों को और लड़कों को भी तो उससे काफ़ी चीज़ों में अवेयरनेस होती है एंड रेप केसेस कितने हो रहे हैं एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट योर चाइल्ड वंस यू अवेयर देम विद सर्टन थिंग्स तो उनको मालूम पड़ेगा कि ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए सो so एवरी

I would just I see I hate drugs so I would just say I would love to tell all the youth the youngsters just stay away from drugs it's not good and uh, uh, इसके ऊपर फिल्में बननी चाहिए मेरे हिसाब से ऐसे कुछ social causes के ऊपर कुछ जिस फिल्म में कुछ message मिले तो इस टाइप की फिल्म में बननी चाहिए मैं फिल्म मैं एक एक्ट्रेस हूँ तो मैं फ़िल्म तो बना नहीं सकती हूँ लेकिन आइडियाज़ बहुत आते हैं मे भी इन फ्यूचर में कुछ अच्छा रहा तो आई वुड लव टू प्रोड्यूस एंड कम अप विद एन वेयर वी कैन कम अप विद अ सोशल मैसेज एंड गिव मोर एंड मोर पावर टू सब्जेक्ट्स लाइक दिस कहते हैं कि जिसको शिद्दत से पानी की कोशिश को कायनात उसे मिलाने में लग जाती है तो कायनात को वो ऐसी कौन सी शिद्दत है जिसको पाना चाहती है uh, शाहरुख खान आई uh, थिंक वो हर एक लड़की का ड्रीम है कि मैं शाहरुख खान के साथ फिल्म करूँ uh, मैं दिव्या भारती की कज़न सिस्टर हूँ मेरी कज़न सिस्टर के साथ उन्होंने पहली फिल्म की थी दीवाना तो मेरे लिए वैसे भी वो स्पेशल है और ये रीज़न भी है और सिंस ट्वेंटी टू ईयर्स I, like when I was a child, I feel that you know I'm in awe of this guy and I'm in I'm so much in love with his mind. For me, everything is brains or intelligence. So uh, unke karna aur, uh, jitne bhi Jitna artists artist hai, whether Ritik Roshan or Faranakhtar or Amir Khan Salman Khan in ke liye I'm working hard right now and I'm doing a lot of in, like events at, at the same time, endorsements. So I'm traveling a lot right now. So my hands are full, I'm living out of my suitcases. May, may बस वक्त नहीं है लेकिन आज मैं शूट कर रही थी बॉम्बे में तो बैक टू बैक मेरे थ्री इवेंट्स थे तो मुझे दिल्ली आना था और अमनदीप का बर्थडे था तो आई थॉट लेट सेलिब्रेट विद हिम सो एट द मोमेंट आई एम हेयर टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे अमन आपसे जाना चाहेंगे कि ऑन एवरी बर्थडे ऑफ योर्स यू ब्रिंग सम यूथ आईकन्स फॉर ऑन योर बर्थडे तो क्या uh, क्या रहता है कि यूथ को कैसे अट्रैक्ट किया जाए और कैसे क्योंकि बहुत सारे क्लब्स हैं आप देखते हैं आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही है रेप जैसी चीज़ें हो रही है हाउ सेफ्टी यू प्रोवाइड टू द यूथ आई कैन क्या कहना चाहेंगे फॉर द सेफ्टी यूथ के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा जो भी हमारी पार्टी में आता है हमारी कोशिश ये रहती है कि सेफ अपने घर जाए बिकॉज आवर पार्टी इज़ द बेस्ट इन डेली एंड वी प्रोवाइड फुल सेफ्टी टू द गर्ल्स सो दैट दे कैन रीच देयर होम सेफली

हाँ मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ बचपन से बास्केटबॉल खेलती आ रही हूँ बैडमिंटन चैम्पियन हूँ हो सकता आपको भी हरा दूँ उसमें बट या आई वुड लव टू बिलीव एम अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन एंड आई लाइक टू डू ऑल दैट बिकॉज आप फिज़िकली फिट रहते हैं मेंटली थोड़ा आपको अच्छा लगता है मैं इतना ट्रैवल कर रही हूँ कभी नेपाल कभी यहाँ कभी हॉन्गकॉन्ग कभी पोलेंड तो इतना आप वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं तो काम के साथ साथ कुछ फन होना चाहिए सो आई कीप माई सेल्फ फ़िट वाइल प्लेइंग सम काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एंड आई डू साइकिलिंग समटाइम्स एंड ऑन माई बर्थ डेज आई गो डू ओ ओल्ड एज होम यू नो वेयर ऑल दी होमलेस ओल्ड लाइक एज लेडीज लाइक विडोज़ एंड वमेन जिनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया है सो so वो ओल्ड एज होम में रहते हैं मैं उनके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ हर साल तो दैट इज़ इन बॉम्बे एंड मैंने एक ओल्ड लेडी को अडोप्ट भी किया हुआ है एंड शी इज़ एटी फाइव ईयर्स ओल्ड और वो मेरे घर में मेरे साथ रहती हैं एंड नाव शी इज़ लाइक माई ग्रैंड मदर एंड आई टेक केयर ऑफ़ हर पाँच साल से मैंने उनको अडॉप्ट किया हुआ है तो प्रॉपर उनकी लास्ट राइट्स तक मैंने लाइक यू नो ये डिसाइड किया कि आई टेक केयर ऑफ हर सो मुझे ओल्ड लोगों के साथ लाइक यू नो पीपल हु आर फ्रिजाइल यू नो थोड़े से यू नो लाइक मुझे तरह से आता है दुख होता है कि इनको केयर की ज़्यादा ज़रूरत है सो so, ऐसे इनिशिएटिव्स में मैं ज़रूर पार्ट लेती हूँ प्लस कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन के साथ सीपा जिसको कहते हैं उसके साथ भी जुड़ी हूँ विवेक ओबरा के साथ ग्रैंड मस्ती करते वक्त मुझे विवेक ने इंट्रोड्यूस किया सीपा के साथ सो आई गो ऑन राखी आई गो टू कैंसर पेशेंट्स एंड टाई दैम राखी एंड आई ट्राई टू डू वट एवर बेस्ट आई कैन एंड समटाइम्स आई प्ले हाउस विद ओल्ड पीपल एंड कैरी गिफ्ट फॉर देम दे डोंट वॉन्ट मनी दे वॉन्ट टाइम क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं अगर कायनात एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या कर रही होती तो मैं इंटीरियर डिजाइनर होती या फिर स्पोर्ट्स पर्सन होती या फिर अपने डैड का बिजनेस संभाल रही होती बिजी जरूर होती बिकॉज आई है वेरी क्रिएटिव माइंड एंड आई कैनॉट बी आय आई एम समन जो खाली नहीं बैठ सकती है मुझे काम करना अच्छा लगता है एंड आई वुड है सम लाइक नथिंग लेस चलिए अब दे राम रामगोपाल वर्मा की बात करें कि उनकी मूवी आपको ऑफर हुई है किस तरह की मूवी है किस तरह का पिक्चर फिनिश हो गई है तो किस तरीके का रोल बताइए कुछ देखिए ये आ, थ्रिलर है और आ, दो तीन महीने में रिलीज होने वाली है फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है ये सोशल मीडिया के ऊपर बनी है कि आजकल कैसे व्हाट्सएप ब्लैकबेरी मैसेंजर्स में आपकी हस्ती खेलती मैरिड लाइफ उजड़ जाती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो जाते हैं सो वी आर शोइंग हाउ सोशल नेटवर्किंग साइट्स कैन रू इन अ गुड ब्यूटिफुल रिलेशनशिप सो आई एम प्लेंग अ वाइफ्स रोल हु इज़ अ पोअर वाइफ ब्यूटिफुल वाइफ एंड वॉट हैपन्स टू मी आफ्टर मैरिज दैट जर्नी रामू ने बहुत अच्छे से फिल्म बनाई है बहुत ही शिद्दत से बनाई है और बहुत टाइम के बाद आई थिंक रामू कुछ ऐसा थ्रिलर जो उनका forte है, या तो हॉरर या फिर थ्रिलर तो ये फिल्म में हमने काफ़ी अच्छे प्लॉट्स डाले निर्भया एक्ट डाला है और तरुण तेजपाल प्लॉट डाला है तो काफ़ी अच्छी फिल्म है जिसमें काफ़ी आपको अच्छा म्यूज़िक भी मिलेगा तो उसकी डबिंग सब हो चुकी है और तेलुगू में भी हमने ये फिल्म बनाई है सो बायेंगुल फिल्म है हिंदी एंड वो इस साल रिलीज हो होनी है और पिछले साल मेरी दो फिल्में रिलीज़ हुई थी एक तो गिपी ग्रेवाल के साथ थी विच वॉज़ कॉल फ़रार जो हमने लॉस एंजल्स में शूट की थी दो महीना और उसमें मैं अमेरिकन पंजाबी थी पंजाबी मैं हूँ अमेरिकन थोड़ी लगती होंगी शायद तो वो पिछले साल रिलीज़ हुई है और अपार्ट फ्रॉम दैट आई डिड अ मलयालम फिल्म विद मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल मोहन लाल दैट कॉट रिलीज लास्ट ईयर सो आई हैड टू रिलीजेज़ लास्ट ईयर दिस ईयर अगेन आई हैव टू टू एंड आई एम स्टार्टिंग टू मोर फिल्म्स एक महीने में, में मेरी और फिल्म स्टार्ट होने जा रही है इज इवन बिगर। चलिए जो भी मूवी रिलीज होती है उसका सबसे बड़ा क्रिटिक्स जो है, होता है वो यूथ आइकन होता है और जो मूवी आपकी रिलीज हो रही है राम गोपाल की वो सोशल साइट नेटवर्क तो अमन आपसे जानना चाहेंगे कि हाउ सोशल मीडिया इज पोलूटिंग यूथ और बेसिकली आई इतना सोशल मीडिया में कि यस ये वो सोसाइटी को हार्मे फेसबुक पर्सनल नहीं जैसे आप क्या हो गया ना पहले क्या होता था हम लोग मैं बताती हूँ पहले क्या होता था कि हम लोग इंटरेक्शन uh, करते थे तो फ़ोन कॉल लेके दोस्त से बात करते थे आज के हर चीज़ व्हाट्सएप पे मैसेजेस के थ्रू आप अपने इमोशन ज़ाया करते हैं आप स्माइली बना देते हैं इमोशंस बना देते हैं वरना पहले क्या होता था आप एक्सप्रेस करते थे अपने दिल से अपने मन से मुँह से बोल के आप ज़ाया करते थे अभी क्या हो गया सोशल नेटवर्किंग साइट्स आ गई हैं तो एवरी थिंग हैज़ बिकम फिर हूँ लाइक व्हाट्सएप लाइक बड़ी मैसेंजर ट्विटर इंस्टाग्राम आप इमोशन शो करें इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं कुछ हो रहा है ट्विटर पे डाल रहे हैं तो आप खाना खा रहे हैं वो भी डाल रहे हैं आप वॉक uh, पे जा रहे हैं वो भी डाल रहे हैं तो ऐसा हो गया है बट इसके बेनिफिट्स भी हैं बेनिफिट्स ये हैं कि uh, पहले क्या होता था पहले एक्टर्स uh, लोगों को स्टार्स लोगों को रीच करना फैंस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था अभी क्या फैंस हु वॉन्ट्स टू रीच देयर सेलेब्स और पीपल हु दे लव तो वो ट्विटर पे अपने एमो, अपनी फीलिंग्स आया अमिताभ बच्चन जी हो गए शाहरुख खान हो गए तो ट्विटर के जरिए आप अपने फेवरेट स्टार को रीच कर सकते हैं पहले लेटर्स लिखते थे राजेश खन्ना के दौर में या फिर मन्नत के बाहर आके खड़े हो जाते हैं अभी भी तो लेकिन थोड़ा बहुत ईजी मीडियम भी है पॉ, पॉजिटिव भी हैं निगेटिव भी हैं चलिए आखिरी सवाल आपसे जाना चाहिए कायना जो ये जो डोंट यू थिंक सोशल मीडिया स्पोकिंग इन टू पर्सनल लाइफ आई थिंक यस बिकॉज देर इज़ नो बिकॉज ऑल द टाइम अगर तीन चार जने रूम में बैठे हैं तो हर कोई फ़ोन पे होता है अगर आप मैरिड भी हैं तो मैरिड कपल्स भी फ़ोन पे हैं और कभी कभी आप भूल जाते हैं कि आप uh, बहुत कम मतलब आप इमोशन्क्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कुछ एक्सप्रेस करना है तो लिख के कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर्सनल रिलेशनशिप हार्म होता ही है तो और वक्त बदल गया है फिल्में भी बदल गई पहले शोले बना करती थी स्वर्ग जैसी फिल्में बनती थी अभी ग्रैंड मस्ती बनती है तो या टाइम इज चेंजिंग एंड ऑडियंस इज बिकमिंग मोर यूज एंड सोचने का ढंग बदल गया है बॉलीवुड में बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो वुमेन आपसे जानना चाहेंगे आखिरी क्वेश्चन हमारे बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो एकदम आखिरी के कगार पे दी एंड होने वाले हो चुके हैं आपको क्या लगता है कि ऐसे रिश्तों को जो दस दस साल से प्रिवेल कर रहे थे so hmm. जैसे so <coughs> उन रिश्तों को टूटना क्या वजह माना जा रहा है बॉलीवुड में आई द राइट ऑन पर्सनल लाइफ लेकिन uh, uh, मैं अपनी लाइफ के बारे में बात कर सकती हूँ मुझे मालूम है मैं कभी फिल्मी इंसान से शादी नहीं करूँगी <laughs> क्योंकि माई मैन इवन रोमांसिंग ऑन स्क्रीन अनदर वूमन एंड

मैसेज तो मेरा यही है यूथ के लिए जो भी अपने घर से रात को गर्ल्स निकलती हैं बॉयज निकलते हैं वो पार्टी जो भी करना चाहें जिस क्लब में भी जाएँ दिल्ली में सेफ होके जाए सेफ जगह पे पार्टी करें सो दैट दे कैन एंजॉय देयर लाइफ एंड मूव इन देयर लाइफ सोचा जानना चाहेंगे कि जो जो मैसेज है उनकी तरफ से क्या है उनके फैंस के लिए कहना टेल मी एज अ वुमेन क्योंकि वुमेंस डे भी है ऐसा <coughs> कौ, कौन सा मैसेज आप देना चाहेंगे वुमेन्स को गर्ल्स को बिकॉज देर सो मेनी स्टेजेस ऑफ इन गर्ल्स लाइफ एज अ होल वट योर फैंस इन लाइफ बिलीव इन योर सेल्फ एंड आप किसी भी तरीके से पीछे नहीं हैं एंड इफ़ यू हैव एनी ड्रीम्स इन लाइफ जस्ट गो ऑल आउट एंड जस्ट बी डिटर्मिंड बी पेशेंट पेशेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैन एनी थिंग एल्स खास तौर पर इस इंडस्ट्री में क्या होता है पेशेंस खो देते हैं और काफ़ी रास्ता भटक जाते हैं विच इज नॉट गुड एवरी थिंग विल एट द राइट टाइम विद जस्ट इट्स ऑल अबाउट बींग एट द राइट प्लेस विद द राइट पीपल एट द राइट टाइम थैंक यू सो मच टॉकिंग टू टॉक तो ये थी हमारे साथ कायन जो बता रही थी कि पेशेंस और डिटर्मिन होना बहुत जरूरी है सो mm गाइस -hmm. so आप भी पेशेंस पेशेंस रखिए डिटर्मिन रहिए और अपने आस पास की खुश जो माहौल है वो खुशनुमा रखिए कैमरामैन अजय के साथ सौरभ शर्मा समाचार प्लस